हम लोग आज फिर से जुड़े हैं 12th क्लास के लेक्चर के साथ में। हम 12th क्लास स्टेट बोर्ड पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसका नाम है, ये चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत जबरदस्त चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है। और ये चीज हमसे जुड़ी हुई है, ये हमारे से जुड़ी हुई है, हमारे बॉडी से टर्म क्या है जुड़ी हुई है, तो इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, बहुत जानने की क्यूरियोसिटी अपने अंदर में लाओ, बहुत इस चैप्टर के अंदर में आपको मजा आने वाला है। क्योंकि ये चैप्टर हमारे बॉडी के ऐसी चीजों से, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस बोलो इसका मतलब ही क्या होता है कि ऐसे कौन से केमिकल्स की वजह से, ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स की वजह से इनहेरिटेंस हो रहा है, मतलब हेरिडिटी हो रही है। हेरिडिटी का मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में जो ट्रांसमिशन होते हैं कैरेक्टर्स, उस ट्रांसमिशन को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम हेरिडिटी बोलते हैं। हमने इसके पहले के चैप्टर में लर्न कर चुके हैं। तो फिर उससे जो जाता है और हमने, लेकिन उसके अंदर में उन कैरेक्टर गैमेट लेकर के जा रहा है। अब गैमेट कैरेक्टर को लेकर जा रहा है, गैमेट के अंदर क्रोमोजोम्स के अंदर में क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, क्रोमोजोम्स ला रहे, तो एक्चुअली उसके अंदर के ऐसे कौन से केमिकल्स है कि जो रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के लिए। तो क्योंकि जो सेल होती है वो गैमेट एक सेल है, तो उसके अंदर में उसका एक न्यूक्लियस होगा। गैमेट एक सेल है, अगर बात कर दो, अपन ने बोले क्रोमोसोमल थ्योरी बता रही है कि जनरली गैमेट से क्या हो रहा है, कैरेक्टर क्या होता है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो हमको पता है कि गैमेट के अंदर में, इन गैमेट्स के अंदर में क्या होते हैं, गैमेट एक सेल है। तो कोई भी सेल होती है तो सेल का एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। सेल का एक क्या होता है, न्यूक्लियस, क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है बच्चा भाई। अब न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स, क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम्स होते हैं। तो सवाल माइंड में ये है कि क्रोमोसोम्स के अंदर में, क्रोमोसोम से कैरेक्टर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसफर हुआ, लेकिन वो कैरेक्टर क्या उसके अंदर में पाए जाने वाले सभी केमिकल्स की वजह से हुआ। उसके अंदर में कार्बोहाइड्रेट भी होगा, उसके अंदर में मिनरल्स होंगे, उसके अंदर में प्रोटीन होगा, प्रोटीन के साथ में डीएनए होंगे, आरएनए होंगे। तो इनमें से ऐसे क्या चीज है, किन किन चीजों की वजह से ये कैरेक्टर एक्चुअली वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, इसके बारे में हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर में क्या करना है, डिस्कस करना है। मोटे मोटे तौर पर हमको मालूम है कि क्रोमोसोम के अंदर में डीएनए होते हैं और डीएनए से जेनेटिक मटेरियल, हमको मोटे मोटे तौर पर मालूम है, लेकिन ये एकदम से हमको पता नहीं चला। ये कैसे पता चला, किस प्रकार से पता चला, कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए इसके लिए, किस प्रकार, क्या कॉन्सेप्ट था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का, क्या कॉन्सेप्ट था मैकलॉय एवरी वगैरह के एक्सपेरिमेंट का, समझ आया, क्या कॉन्सेप्ट था हमारा नया जो थ्योरी केमिकल की वजह से जा रहा है करके बताने वाली थ्योरी है उसका, इन सब का हम लोग इस चैप्टर के अंदर में बहुत ही डिटेल तरीके से क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले। लेकिन बच्चा पार्टी, उसको समझने के लिए हमको कुछ कुछ चीज़ें, बहुत सारी हमको मालूम होनी चाहिए, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें आपको मालूम होना बहुत जरूरी है, कुछ बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं जिनको हम जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज अगर बात करते हो तो डीएनए की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेंगे, या डीएनए होता क्या है, डीएनए किसे बोलते हैं। तो हमको अभी के तौर पर मोटे मोटे तौर पर पता है कि सेल का एक जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है जिनको हम गैमेट बोलते हैं, गैमेट के अंदर में क्या होता है, उसका न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर में आपको क्या पाया जाएगा, क्रोमोसोम्स होगी, और क्रोमोसोम्स के अंदर में डीएनए होगा, और क्रोमोसोम डीएनए के साथ में कैरेक्टर को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, ये आपको मोटे मोटे तौर पर मालूम है। लेकिन एक्चुअल डीएनए है क्या, तो डीएनए अगर बात करते हो तो डीएनए एक लार्जेस्ट मैक्रोमॉलिक्यूल है। अब लार्जेस्ट मैक्रोमॉलिक्यूल, तो मैक्रोमॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, तो पॉलीमर्स से मिलकर बनते हैं। किससे बनते हैं, पॉलीमर्स, आपको मालूम होगा पॉलीमर एक टर्म, आपने 10th कक्षा में और या 11th में बहुत अच्छे तरीके से इसको समझे हो कि पॉलीमर क्या होता है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मर्स का मतलब होता है पार्ट्स, तो बहुत सारे पार्ट से बना हुआ, मतलब बहुत सारे यूनिट से बना हुआ, बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट से बना हुआ एक मोटा स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। जैसे आपने कभी साधु बाबा के पास की कंठी देखी होगी, तो उस कंठी जो होती है छोटे छोटे मणियों से मिलके बनती है, वो कंठी जो होती है छोटे छोटे जो बीट्स होते हैं, बीट्स जिसको मणि बोलते हैं अपन लोग, बीट्स, उन बीट्स से मिल मिलकर लॉन्ग ऐसी सर्कुलर क्या बनती है, वो कंठी बन जाती है। तो उसी प्रकार से ऐसे छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट जिनको मोनोमर बोलेंगे, मतलब छोटे छोटे मोनोमर्स आपस से मिल मिलके लार्ज कंपाउंड बनाते हैं। जैसे आप बोलोगे ग्लूकोज वगैरह बहुत ज़्यादा आपस से मिल करके स्टार्च वगैरह बनाते हैं, एक ग्लूकोज आपस में मिलके एक लार्ज बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है, उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, जनरली मैक्रोमॉलिक्यूल बोलते हैं, स्टार्च, समझ में आता है। ये भी एक डीएनए मैक्रोमॉलिक्यूल है, क्या है, मैक्रोमॉलिक्यूल है।
जिसके अंदर में रिप्रेजेंट द जेनेटिक मटेरियल एंड रिप्रेजेंट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो रिप्रेजेंट करता है किसको, जेनेटिक मटेरियल को, किसके, ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी, मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी मतलब वो क्या करेगा, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मतलब समझ लो कि वो कैरेक्टर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तो मैं इसको मोटे तौर पर बोल सकता हूँ कि एक मैक्रोमॉलिक्यूलर मतलब पॉलीमर है, तो आप बोल सकते हो कि इस तरीके से बोल सकते हो लार्जेस्ट मैक्रोमॉलिक्यूल, ये बहुत लॉन्ग होता है, लार्जेस्ट मैक्रोमॉलिक्यूल, कैसा बोला मैंने, ये जो लार्जेस्ट मैक्रोमॉलिक्यूल है, क्या बोलेंगे, मैक्रोमॉलिक्यूल है, एंड रिप्रेजेंट द जेनेटिक मटेरियल, जो रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड जेनेटिक एंड रिप्रेजेंट, क्या बोलेंगे, एंड रिप्रेजेंट, क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंट द जेनेटिक मटेरियल, रिप्रेजेंट द जेनेटिक मटेरियल, रिप्रेजेंट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एंड किसका, ऑर्गेनिज्म का, ऑफ एंड किसका, ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके साथ साथ एंड इसके साथ साथ बोल सकते हो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कैसे कैसे केमिकल्स जाते हैं, किन केमिकल्स की वजह से ये कैरेक्टर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, इस केमिकल की वजह से, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या हेरिडिटी बोल सकते हो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या हेरिडिटी भी बोल सकते हो, मतलब इसी केमिकल की वजह से क्या होते हैं, कैरेक्टर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। हमारे बॉडी का जेनेटिक मटेरियल भी इसी के ऊपर डिपेंड है, हमारे बॉडी का जो जेनेटिक मटेरियल, मैं ऐसा मैं गोरा दिख रहा हूँ, मैं छोटा दिख रहा हूँ, मैं बड़ा दिख रहा हूँ, मेरा स्किन का कलर, हेयर का कलर, समझ बात है, मेरा स्किन कलर, हेयर कलर, बॉडी स्ट्रक्चर, समझ बात है, ये सब भी मेरे बॉडी के अंदर, मैं जब जिंदा हूँ तब तक के वो बॉडी के सारे जो कैरेक्टर है वही क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसी की वजह से हो रहा है। डीएनए के जीन में एक ऐसा भी सिक्वेंस में भी बदल आ गया तो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर में भी क्या आता है, बदल आ जाता है, चेंजेस आ जाता है, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर में भी क्या आ जाता है, चेंजेस आ जाता है। और इसके लिए इतना ही नहीं, जैसा मेरा जेनेटिक मेकअप है, मेरी बॉडी है, तो जब मेरे से अगर न्यूवन जो हो गए उनके अंदर में भी मेरे से ही कैरेक्टर जाने वाले हैं, तो वो कैरेक्टर किससे जाने वाले हैं, वो कैरेक्टर डीएनए से जाने वाले हैं, मतलब ये मेरे बॉडी का मेकअप बनाने के लिए है, ये बताया मैंने। और दूसरी बात, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इसलिए बोला, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इसलिए बोला या हेरिडिटी इसलिए बोला क्योंकि वन जनरेशन टू का न्यू जनरेशन, मतलब एक जनरेशन से नए जनरेशन में कैरेक्टर भी डीएनए से ही जाते हैं, ये हमको मालूम है अभी, लेकिन ये कैसे पता चला इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर में हमको बहुत डिटेल तरीके से क्या करना है, डिस्कस करना है। तो इसकी कहीं ना कहीं तो डिस्कवरी भी आई होगी, डीएनए की डिस्कवरी कैसी, डीएनए है क्या बात होता है, पूरा स्ट्रक्चर वाइज बता दो, डीएनए की डिस्कवरी किस प्रकार से हुई, डिस्कवरी ऑफ डीएनए, ये भी हमको मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यार जब कोई भी चीज आती दुनिया में आपको जानने की आगे के अंदर में क्या होगा, आगे कौन सा लेवल होगा, किस प्रकार से क्या होगा, पता नहीं मेरे को तो उतना कुछ भी उसके अंदर में, लेकिन बहुत क्यूरियस होते बच्चे, बहुत जानने का क्या करते, प्रयास करते। अभी छोड़ो यार वो सब चीजें जानने की चीजें छोड़ दो, क्यूरियसिटी ऐसी चीजों में लाओ कि अपने बॉडी का पार्ट है, अब इसकी डिस्कवरी किसने किया होगा, कैसे डीएनए करके कॉन्सेप्ट आया होगा, इतना छोटी तो सेल तो इतनी छोटी होती है, लेकिन उस छोटी सेल के अंदर का न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, क्रोमोजोम्स, और क्रोमोजोम्स के अंदर में होता है डीएनए। तो भाई इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ना, इसको जानने का प्रयास, क्यूरियसिटी आपके अंदर में होनी चाहिए। तो इसी क्यूरियोसिटी के लिए बताओ, तो अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट आए और अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट लोगों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी न्यूक्लिक एसिड की, इन 1869 में सबसे पहली डिस्कवरी हुई थी, और उसको आइसोलेटेड किए थे फ्रेडरिक मिसर सर ने, किसने, किन्होंने, प्रोफेसर फ्रेडरिक मिसर, उन्होंने क्या किए थे सबसे पहले 1869 में न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेटेड किए थे, कहां से, पर्स सेल से, कहां से, पर्स सेल मतलब डब्ल्यूबीसी, क्या बोल गए, डब्ल्यूबीसी, पर्स सेल का मतलब क्या हो गया, डब्ल्यूबीसी से सबसे पहले आइसोलेटेड किया गया था, और इन्होंने उसको नाम दिए थे न्यूक्लिन, मैंने क्या बताया कि सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड वर फर्स्ट, क्या बोला मैंने, न्यूक्लिक एसिड वर फर्स्ट, क्या होता है बाद में बता दो, वर फर्स्ट आइसोलेटेड बाय,
आइसोलेटेड बार, आइसोलेटेड बार, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड बार सुनने से आइसोलेटेड बार बोल दो, आइसोलेटेड बार फ्रेडरिच, क्या बोलोगे, फ्रेडरिच, फ्रेडरिच मिशर, क्या बोलोगे, फ्रेडरिच क्या, मिशर, मिशर, इनका कब, अगर बात करोगे 1869, नॉट 19, ओके 1869, कब 1869 में उन्होंने क्या किए थे, डिस्कवर किए थे, कहां से, फ्रॉम, फ्रॉम कहां, फ्रॉम कहां से, तो फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ, फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ, फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ पर्स सेल, कैसी सेल बोला मैंने, पर्स सेल, पर्स सेल कुछ हम क्या बोल सकते हैं, डब्ल्यूबीसी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, जो हमारे ब्लड के अंदर में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, तो वहां से इन्होंने सबसे पहले क्या किए थे, आइसोलेटेड किए थे, एंड ही वाज नेम्ड, ही वाज नेम्ड, ही वाज नेम्ड दैट, उसको हम इन्होंने क्या किए थे, ही वाज नेम्ड देम, उसको नेम किए थे, क्या किए थे, न्यूक्लियन, अब बोलोगे सर न्यूक्लियन क्यों रखा गया, बंटू बबलू पिंकी भी तो रख सकते थे, मायने में सवाल है ना, इसे न्यूक्लियस क्यों बोले उसको, पंटू बबलू पिंकी रिंकी चिंकी ऐसा भी तो कुछ बोल सकते थे, ऐसा कुछ भी तो नाम दिया जा सकता था, लेकिन उन्होंने न्यूक्लिन ही नाम क्यों दिए, न्यूक्लिन नाम इसीलिए दिए क्योंकि न्यूक्लिन ये वर्ड जो आया है ये न्यूक्लियस से आया, न्यूक्लियर वर्ड कहां से आया, न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस के अंदर ही केमिकल हमको मिला, इसीलिए अपन ने क्या बोलते इन, अंदर मतलब इन, तो नाम हो गया क्या, न्यूक्लिन, क्या हो गया, न्यूक्लियस, क्योंकि ये पाया गया हमको कहा, न्यूक्लियस के अंदर, और इसीलिए इसको नाम हमने दे दिए न्यूक्लिन, हमने क्या दे दिए, नाम दे दिए, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ रही है, मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, मैं बाद में न्यूक्लिक एसिड क्या होता है वो भी बता रहा हूँ, लेकिन पहली बात इसकी डिस्कवरी बता रहा हूँ कि किसने डिस्कवरी इसकी किया, ओके, तो देखो यार सेकंड चीज अगर बात करो, पहले इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसके बाद में जब उन्होंने न्यूक्लिन बोले तो भाई जैसे क्या होता है केमिस्ट्री में हमारा एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन का एक नेचर होता है कि जब कोई एक चीज कुछ बता देता है तो उसके बारे में कुछ नई चीज जब आ जाती ना उसके बारे में और साइंटिस्ट लोग अलग अलग साइंटिस्ट लोग क्यूरियस होते जाते हैं, फिर इसके बाद में इन 1884 में, कब इसके बाद बोला मैंने, इन 1884 कब बोला मैंने, 1869 में बताए थे कि इन्होंने फ्रेडरिक मिशर सर ने कि न्यूक्लिक एसिड ऐसा होता है इस तरीके से न्यूक्लिक एसिड, और उसका न्यूक्लिक एसिड इसलिए भी उसको बोला गया था क्योंकि उसका नेचर जनरली कैसा था, एसिडिक था, उसका नेचर कैसा था, एसिडिक, और वो न्यूक्लिक एसिड इसलिए बोला गया, बाद में देखो उन्होंने न्यूक्लिन बोले, फिशर सर ने न्यूक्लिन बोले, बाद में उसका रीनेम किया गया और न्यूक्लिक एसिड बोला गया, क्या बोला गया, न्यूक्लिक एसिड इसलिए बोला गया कि वो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला एसिडिक नेचर का एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस था, कैसा, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला एसिडिक नेचर का एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस था, इसलिए उसको लेटर फिर हमने क्या बोल दिए, न्यूक्लिक एसिड बोले, इज इट क्लियर, तो उसमें अगर बात करते थे 1884 में, देखो वही नया साइंटिस्ट आएगा, बिल्कुल हमारा नेचर है, एक चीज पता चली तो और उसके बारे में जानने का क्या करेंगे हम लोग, प्रयास करेंगे, तो 84 में हर्टविक नाम का साइंटिस्ट है, प्रोफेसर हर्टविक आए, और प्रोफेसर हर्टविक ने प्रपोज किए कि न्यूक्लिन के अंदर बोले जो तो आप न्यूक्लिन बता रहे हो वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर हेरिडिटरी ट्रेट, बोले जो न्यूक्लिक एसिड होता है बोले ये रिस्पॉन्सिबल होता है बोले क्या करने के लिए, ट्रांसमिशन ऑफ क्या, कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मींस दैट हेरिडिटरी कैरेक्टर ये ट्रांसमिट कर सकता है, ये इन्होंने बताए, हर्टविक सर ने बताए, हर्टविक प्रपोज दैट न्यूक्लिन, जिसको हम आज के डेट में क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड बोल रहे हैं, हम आज के डेट में इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि इससे पहले मिशर सर ने इसको क्या बोले थे न्यूक्लिन बोले थे, तो न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स
या तो ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर बोल दो तो कुछ ज्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, और हेरिडिटरी कैरेक्टर्स क्या होता है आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने इसके पहले लेक्चर्स में आपको बहुत बार बताया हेरिडिटरी कैरेक्टर किसे बोलते हैं। मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ये क्या कर सकते बोले, कैरेक्टर ट्रांसमिट कर सकते। अरे वाह, एक नई चीज का और जन्म हुआ, एक नई चीज और पता चली। ऐसा भी होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसमिट करने के लिए क्या जरूरी है, कौन काम करता है बोले अगर अमीनो एसिड की वजह से होता है। वाओ, इंटरेस्टिंग फैक्ट। फिर और साइंटिस्टों की क्यूरियोसिटी बढ़ी, फिर और जानने का प्रयास करने में। तब आगे जाकर के प्रोफेसर अल्टमन 1889 में जो प्रोफेसर अल्टमन थे इन्होंने बताया कि बोले कि जनरली बोल रहे हो बोले कि जनरली तुम बोल रहे हो बोले कि कैरेक्टर ट्रांसमिशन होते हैं, वन जनरेशन टू अनादर जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं, ये जो चीज आप बता रहे हो बोले तो न्यूक्लिक एसिड से होते हैं, लेकिन बोले सारे के सारे न्यूक्लिक एसिड से कैरेक्टर ट्रांसमिट नहीं होते। ये कुछ ऐसे भी दुनिया में न्यूक्लिक एसिड है बोले कि जो न्यूक्लिक एसिड है बोले कि जिनसे कैरेक्टर तो ट्रांसमिट नहीं हो रहे हैं। फिर और ये एक और कुछ कुछ से हो भी रहे, कुछ कुछ से हो भी रहे, कुछ कुछ से कैरेक्टर ट्रांसमिट हो भी रहे, कुछ कुछ से कैरेक्टर ट्रांसमिट नहीं भी हो रहे। तो फिर ऐसा बोला गया कि न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप होते हैं जिनको आज हम डीएनए और क्या बोलते हैं, आरएनए बोलते हैं। तो इन्होंने बताया कि अगर बात करोगे इन 1889 क्या बोलो, इन 1889 डिस्कवर, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि अगर बात इस तरीके से अल्टमन क्या बोलोगे, अल्टमन वॉज डिस्कवर, क्या बोलोगे, डिस्कवर क्या क्या डिस्कवर किए उन्होंने कि टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो उन्होंने यही चीज लगाए कि न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप ऐसे बताए क्योंकि बोले कुछ ये पकड़ो बोले ये वाले न्यूक्लिक एसिड पकड़ो बोले कुछ ये वाले न्यूक्लिक एसिड पकड़ो बोले ये जैसे दो अलग अलग प्रकार के बोले इससे कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहे बोले इससे कैरेक्टर ट्रांसमिट नहीं हो रहे। तो आपने तो बोले थे तीन सर को पूछे होंगे हर्ट वीक को, है ना, ऐसा पूछे होंगे भाई हर्ट वीक बताओ सर आपने तो बोले कि जेनेटिक कैरेक्टर क्या करता है, मतलब हेरिटेरी कैरेक्टर है, हेरिटेरी ट्रेड को ट्रांसमिशन कर रहा है, तो मतलब जेनेटिक कैरेक्टर वन जनरेशन को अनादर जनरेशन में जा रहा है। तो फिर बताओ भैया जी बोले कि इनमें से क्यों नहीं जा रहा है, तो मतलब भैया जी बोले एक टाइप के न्यूक्लिक एसिड नहीं होते, न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है डीएनए, आज अभी हमको मालूम है उस समय पर नहीं मालूम था, लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड अपने जानकारी के लिए हम बता सकते हैं, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए, जिसके बारे में 9th कक्षा से लेकर के और 11th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़े। तो डीएनए और आरएनए एक डबल स्टैंडर्ड है और एक सिंगल स्टैंडर्ड है, लेकिन ये भी बोले यहां भी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट एक बार बता दूं, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है, ये भी एक बात याद रखना, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है, लेकिन किसमें, सम वायरसेस में, किसमें, सम वायरस में, वो इसीलिए क्योंकि उनमें डीएनए अब्सेंट होता है। डीएनए आरएनए किसी भी वायरस में दोनों एक साथ नहीं पाए जाएंगे, समझ बात आ रही है, डीएनए और आरएनए। देखो वायरस में डीएनए वाले भी वायरस है, आरएनए वाले भी वायरस है, आपको बता दो आपकी जानकारी के लिए, डीएनए वाले भी वायरस है, आरएनए वाले भी वायरस है, लेकिन जिस वायरस में डीएनए है उसमें जेनेटिक मटेरियल भी डीएनए है, वहां आरएनए नहीं होता, लेकिन जिन वायरस में आरएनए है वहां डीएनए नहीं होता, समझ बात है, दोनों एक साथ किसी भी वायरस में पाया जाएगा, क्योंकि आरएनए सिर्फ जेनेटिक मटेरियल वायरसेस में है और वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन जीन वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है उस वायरस में डीएनए पाया नहीं जाता, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते वायरस के अंदर। हाँ, हमारे बॉडी के अंदर में दोनों है, डीएनए भी है और आरएनए भी है, और हमारा डीएनए जेनेटिक है, आरएनए जेनेटिक नहीं है, ये चीज को मेरे याद रखना, नहीं तो कंफ्यूजन मत करना, रिपीट करके एक बार और सुन लेना, समझ बात है, रिपीट करके एक बार सुन लेना, बार बार वही चीज बताने से मत करनी। तो बच्चा पार्टी ले लो इसका स्क्रीनशॉट इतना फटाक से। तो लीसन यार बिल्कुल जबरदस्त काम। अब इसके बाद में दो टाइप से करके पता हो गया, और पता होने के बाद में जो जेनेटिकल फॉर्म था न्यूक्लिक एसिड का, इसके बारे में अगर बात करोगे तो इसके बारे में अगर बात करोगे क्रोनबर्ग और क्रोनबर्ग
क्रोनबर्ग, क्रोनबर्ग नाम के साइंटिस्ट थे या प्रोफेसर थे, इन्होंने पहली बार वॉज द फर्स्ट क्या कर दी, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किए, वॉज द फर्स्ट टू सिंथेसाइज डीएनए, फर्स्ट टू सिंथेसाइज डीएनए, इन्होंने पहले बार सिंथेसाइज किया, किसको सिंथेसाइज किया, डीएनए को सिंथेसाइज किया इन वाइट्रो। कहां पर दो प्रकार की चीजें आपको मालूम है, एक इन वाइट्रो और दूसरा इन वायो, एक इन वाइट्रो दूसरा इन वायो। कहां पर अभी हुई, कब, इन 1957, कब ये डिस्कवरी हुई, 1957 में, कब 1957 में ये डिस्कवरी हुई। अब इन्होंने जो 1957 में जो डिस्कवरी किए ना, तो इसमें इन्होंने वाइट्रो मतलब क्या होता है, वायो, दो चीजें आपके पास में होती है, इन वायो लिखा होता है कहीं ना कहीं और दूसरा इन वाइट्रो लिखा होता है, ये दो चीजें लिखी होती है, दोनों चीजों का मतलब क्या होता है आपको मालूम भी होगा या नहीं भी मालूम, एक बार फिर से बता देता हूँ। वायो का मतलब इन वायो, वायो का मतलब बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर, इनसाइड बॉडी, क्या बोलोगे, इनसाइड बॉडी, और वाइट्रो का मतलब आउटसाइड बॉडी, क्या बोलोगे, आउटसाइड बॉडी, आउटसाइड बॉडी। जो बॉडी के बाहर होता है वो क्या होता है, वाइट्रो, जो बॉडी के अंदर होता है वो कहते हैं वायो। तो बॉडी के बाहर कैसे, तो कहीं भी ऐसे कुल में नो, टेस्ट ट्यूब के अंदर में, लेबोरेटरीज के अंदर में या बहुत बड़ी बड़ी लैब्स के अंदर में इन चीजों को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। जो आपने फर्टिलाइजेशन वगैरह के अंदर में देखे होंगे, फर्टिलाइजेशन इन वाइट्रो भी होता है, इन वायो भी होता है, इन वाइट्रो को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, इन वायो को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये टर्म हमने पढ़े चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर में, सेकंड के अंदर में ये चीजें हमने पढ़े, चैप्टर नंबर सेकंड में ये सारी चीजें हमने पढ़े, वायो और वाइट्रो देखे, तो इसमें आपको ज्यादा डिफिकल्टी थी। तो एक आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए डीएनए के बारे में कि ऐसा एक्चुअल होता होगा डीएनए का स्ट्रक्चर, तो कैसा होता होगा, क्या होता होगा, ये सब चीजें उन्होंने हमारे को बताया, तब हमको पता चला कि डीएनए क्या होता है। लेकिन इन सब को समझने के लिए सबसे पहले हमको न्यूक्लिक एसिड से लेना पड़ेगा और न्यूक्लिक एसिड के टाइप से हमको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका हिस्ट्री में इतना काफी है कि इतनी डिस्कवरी हम लोग जान ले, इतना काफी इसके बारे में समझ में आता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार से। तो देखो बच्चा पति, हमारे सामने सवाल है कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लियन को लैटर जाकर के हमने न्यूक्लिक एसिड बोले थे। अभी न्यूक्लिक एसिड अगर किसी ने आपको पूछा कि व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, हमको मालूम तो है न्यूक्लिक एसिड पूछता है तो आंसर ऐसा देते हैं कि सर न्यूक्लिक एसिड मतलब ना सर उससे जो प्रोटीन बनती है, प्रोटीन बनाने के लिए न्यूक्लिक एसिड काम आता है सर, सर वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है सर, पहले पेप्टाइड चेन बनाता है फिर आपस में न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड आपस में मिलते हैं सर और पेप्टाइड चेन बनाते सर, लॉन्ग चेन, फिर ऐसी बहुत सारी लॉन्ग चेन आपस में मिल जाती सर, उससे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है सर, उसको पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते सर, और पॉलीपेप्टाइड चेन से जाकर के आगे क्या बनता है सर, अमाइनो एसिड बनता है, मतलब ये अमाइनो एसिड से फिर क्या होता है, प्रोटीन बनता है सर, तो प्रोटीन बनता है सर। लेकिन एक्चुअली अमाइनो एसिड है क्या, अमाइनो एसिड किसे बोलते हैं, व्हाट इज अमाइनो एसिड, समझ आते, ये सवाल हमारे पास में होना चाहिए, ये हमको मालूम होना चाहिए। तो या फिर न्यूक्लिक एसिड, या फिर न्यूक्लिक एसिड है क्या, तो अमाइनो एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या है, सारी चीजें हमको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को जानने से पहले हम अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो अमाइनो एसिड क्या होता है, तो अमाइनो एसिड जो है या न्यूक्लिक एसिड पहले देख लो, न्यूक्लिक एसिड क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड अगर बात करोगे तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है इज अ चैन ऑफ, इज अ चैन ऑफ क्या बोलोगे, इज अ चैन ऑफ क्या बोलोगे, चैन, न्यूक्लिक एसिड एक चैन किसकी, न्यूक्लियोटाइड की, किसकी, न्यूक्लियोटाइड किसकी चैन है बेटा, न्यूक्लियोटाइड विच स्टोर, जो स्टोर करता है, विच स्टोर, विच क्या करता है, स्टोर, विच स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन बायोलॉजिकल सिस्टम, विच स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम, इन बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम में न्यूक्लिक एसिड वो ऐसा केमिकल है एक चैन से बनता है, किसकी चैन, न्यूक्लियोटाइड की, हमने 11th क्लास में 9th क्लास में पढ़े, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ये भी चीज हमको जानना है, नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर और उसके साथ में नाइट्रोजन बेसिस, इनसे मिलकर के क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है, और वो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलके एक लॉन्ग चेन बनता है, उसको हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, चाहे वो डीएनए हो सकता है, चाहे वो आरएनए हो सकता है, वो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, समझ में बात आ रही क्या मैंने क्या बोला, और ये क्रिएट करता है न्यूक्लिक एसिड किसको, डीएनए को भी और आरएनए को भी, और फिर उसके बाद देखो डीएनए बना, डीएनए से आरएनए भी बन सकता है, और उससे भी बाद में क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, क्या बनता है, प्रोटीन, समझ आता है, डीएनए पहले न्यूक्लिक एसिड का डीएनए बनता है, डीएनए से फिर एक आरएनए बनता है, और आरएनए के बाद में क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, जो आपने टर्म जाने वो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन,
ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। अगर एक ऐसी प्रोसेस जहां पर डीएनए से आरएनए बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। और इसी दौरान ट्रांसलोकेशन भी होता है। इन चीजों के बारे में 10th क्लास में हमने पढ़े हैं, तो इसके बारे में ज्यादा बताने की हमको जरूरत नहीं है। तो जान लो अगर आगे चल के अगर क्या होगा, ये जो पहली बात होगा न्यूक्लिक एसिड के प्रकार क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड से अगर बात करोगे दो प्रकार हो गए, एक क्या हो गया डीएनए हो गया, एक क्या हो गया आरएनए हो गया। आरएनए से आगे चलकर डीएनए से मिलकर आरएनए से आगे चल के आरएनए ही आगे फॉर्म करेंगे किसको, प्रोटीन को। किसको फॉर्म करेंगे, प्रोटीन का क्या करते हो, फॉर्मेशन करते। समझ बात आ रही है आप लोगों को, इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप एक बार। हाँ, तो डीएनए कैसे बनता है, डीएनए किस प्रकार से बनते हैं, डीएनए क्या होता है, इन चीजों के बारे में हमको देखना पड़ेगा किस प्रकार से फॉर्म होता है डीएनए। तो डीएनए के अंदर अगर बात करोगे, डीएनए मेनली तीन चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है इसके अंदर में जो जिसकी बात करेंगे हम लोग, इसकी बात करते तो एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। कौन सा बात कर रहे थे, फॉस्फेट ग्रुप कहां से रिलेटेड होता है, फॉस्फोरिक एसिड से आता है। ये वह बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपने 11th क्लास में पढ़े हो, फॉस्फोरिक एसिड, या फिर आपने 10th क्लास में पढ़े हो। 9th क्लास में इसका बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट था, आपने देखे होगे 9th क्लास की बुक में। तो उसके बाद में अगर बात करोगे, दूसरा होता है पेंटोज शुगर। क्या होता है, पेंटोज शुगर की बात कर लेते हैं। पेंटोज शुगर तो इसमें डीएनए में डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर होता है, और उसके अंदर में क्या होता है, राइबोज पेंटोज शुगर होता है। और तीसरी चीज इसके अंदर में जो आती है वो होता है नाइट्रोजन बेसिस। क्या बोलोगे, नाइट्रोजन बेसिस। देखो बच्चा पार्टी, कॉन्सेप्चुअल लेना पहली बात, तो कॉन्सेप्चुअल लेना, मैं क्या बताऊं। तो नाइट्रोजन बेसिस कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन सी बेसिस, नाइट्रोजन बेसिस। अब इसके अंदर में बात करते हो, एक होता है प्यूराइंस, एक क्या होता है प्यूराइंस, और दूसरा होता है पायरिमिडाइंस। अब इनमें फर्क क्या है, प्यूराइंस डबल रिंग वाले होते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर के केमिकल है, और पायरिमिडाइन सिंगल रिंग वाले स्ट्रक्चर है, सिंगल रिंग वाले स्ट्रक्चर है। अब इसमें से अगर बात करते हो तो इसमें भी दो दो है, प्यूराइंस में फिर से दो आएंगे, एक इसमें आएगा एडेनाइन, एक इसके अंदर में आएगा एडेनाइन, और दूसरा आएगा इसके अंदर में ग्वानाइन। क्या आएगा, ग्वानाइन। एडेनाइन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं जो आपको डीएनए के स्ट्रक्चर में दिखता है, और ग्वानाइन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं जो आपको दिखेगा जब आप स्ट्रक्चर देखोगे। इसमें भी दो टाइप होते हैं, तो दो टाइप हो गए। तो इसमें से भी अगर बात करते हो, एक पहला जो चीज होगा तो एक देखो, एक थायमाइन होगा, थायमाइन, और दूसरा होगा साइटोसाइन। क्या होगा, साइटोसाइन। एक थायमाइन होगा, दूसरा क्या होगा, साइटोसाइन होगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। समझ रहा है ना मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो इन चारों में से कोई भी एक आएगा नाइट्रोजन बेस, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर। तो जो यहां से पेंटोज शुगर और इन चारों में से कोई भी एक, मतलब क्या, अगर ये पेंटोज शुगर मैंने बात कर लिया है, पेंटोज शुगर और इन चारों अगर बात करते हो, इनमें से कोई भी एक, मतलब एक तो क्या हो सकता है, यहाँ पर एडेनाइन आ सकता है, एक तो क्या हो सकता है ग्वानाइन आ सकता है, एक तो क्या हो सकता है थायमाइन आ सकता है, या एक तो क्या हो सकता है साइटोसाइन आ सकता है। समझे बात आ रही ना मैं क्या बता रहा हूँ, साइटोसाइन। इन चारों में से कोई भी एक नाइट्रोजन बेस आएगी और मिलके क्या बन जाएगा, या न्यूक्लियोसाइड। और ये न्यूक्लियोसाइड आपस में इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ में मिल जाएगा, किसके साथ में मिल जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप के साथ, तब जाकर के बनेगा तुम्हारा क्या, न्यूक्लियोटाइड। समझ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ, समझ रहा है ना। देखो यार, इन पेंटोज शुगर, ये कोई भी एक चारों में से किसी भी एक नाइट्रोजन बेस के साथ में मिलेगा, कोई भी एक ही रहेगा, ठीक है। तो चारों में से एक रहेगा, तो मैं अभी डीएनए की बात कर रहा हूं, तो चारों में से कोई भी एक। थायमाइन रिप्लेस होता है आरएनए में यूरियासिल से, इस चीज को भी ध्यान रखना, यूरियासिल, क्योंकि यहां पर आरएनए में थायमाइन नहीं होता, यूरियासिल होता है। तो ये जब इनमें से चारों में से कोई भी एक आएगा और पेंटोज शुगर के साथ में मिल जाएगा,
तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, मतलब न्यूक्लियोसाइड जो होता है विदाउट फॉस्फेट ग्रुप होता है, विदाउट फॉस्फेट ग्रुप, उसमें फॉस्फेट ग्रुप को अगर ऐड कर दोगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। समझ बात आ रही? तो ये तो सिंगल स्टैंडर्ड, एक सिंगल स्टैंड बनता है, ऐसे आपस में जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनता है। लेकिन जब डबल स्टैंडर्ड बन जाता है, लेकिन डीएनए तो ऐसा होता है डबल स्टैंडर्ड, तो फिर ये दोनों स्टैंड कैसे जुड़े होते हैं, या इसकी बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है, इनकी बॉन्डिंग किस प्रकार से, जुड़े कैसे होते हैं? तो ये जो नाइट्रोजन बेसिस है ये रिस्पॉन्सिबल होते न्यूक्लियोसाइड किस, न्यूक्लियोटाइड किस प्रकार का होगा, उसका नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते, और सीक्वेंस भी इनसे बनता है, जो जी यू यू ए यू जी जो 10th क्लास में पढ़े हो आपने, वो जो सीक्वेंस इनसे बने ना, इन पे से आधार होता है, बाकी तो दोनों सेम है ना, पेंटोस सुगर फॉस्फेट ग्रुप सेम है, डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है, ये नाइट्रोजन बेस, क्योंकि ये चेंज हो रहे हैं, हर न्यूक्लियोटाइड में सेम हो गए जरूरी नहीं है, ये चेंज हो रहे हैं, इसलिए ये डिफरेंस क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। ये डिफरेंस जो क्रिएट कर रहे हैं, इस डिफरेंस के से फिर उसका सीक्वेंस डिटरमाइन किया जाता है। तो अब ये दो स्टैंड जब हो गए तो कौन किससे मिलेगा, ज्वाइन तो यही करते हैं, याद रखना एडेनाइन जो होता है हमेशा अगर डबल बॉन्ड के साथ, एडेनाइन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ में किसके साथ में ज्वाइन होता है, थायमाइन के साथ, और ये जो डबल बॉन्ड जो दिख रहा है इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, हमेशा याद रखना इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो ग्वानाइन होता है ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ में साइटोसाइन के साथ में ज्वाइन होता है, और ये जो बीच में का हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, ये चीज याद रखना, ये जोड़ रहे ये जो दिख रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, किसमें के किसके बीच की, एडेनिन या थायमिन के बीच में की, या ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में। अब वो ऊपर नीचे सीक्वेंस चेंज हो सकते हो, जिस टाइप का फंक्शन होगा उस टाइप का क्या रहेगा, सीक्वेंस रहेगा, उस टाइप का न्यूक्लियोटाइड वहां पाया जाएगा। तो ऐसा डबल हेलिकल डीएनए का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है। समझ में आ रहा है बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ओके बच्चा बाटी, आज हम यहीं पर रुकेंगे, हमने बेसिक बेसिक चीजें मोटी मोटी तौर पर जान ली चैप्टर के बारे में, अब यहां से कल से हम चैप्टर को थोड़ा स्टार्ट करेंगे, अब और रियल कॉन्सेप्ट चैप्टर में क्या हो दिखेगी बच्चा पार्टी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। ओके बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच।